नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिकल ब्लू चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो मैं आज बता रहा हूँ आपको, बाइक मैकेनिक ट्रेनिंग का ये वीडियो है। मैं आज आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि जो हमारी बाइक रहती है वो धुआं दे रही है। धुआं दो टाइप से रहता है, एक ब्लैक धुआं रहता है, एक ब्राउन धुआं रहता है। तो ये हम कैसे जानते हैं? आप जब कभी भी देखो तो साइलेंसर में दो टाइप के धुआं निकलते हैं, एक ब्लैक रहता है यानी काला रहता है, एक रहता है ब्राउन यानी भूरा धुआं रहता है। तो ये दो टाइप के धुआं रहते हैं, इसका क्या कारण है और इसका क्या समाधान है? सबसे पहले ब्लैक धुआं दे रही, तो जो ब्लैक धुआं देती है वो कार्बोरेटर की वजह से रहती है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है एयर फिल्टर। एयर फिल्टर प्रॉपर तरीके से सही होना चाहिए, चोक नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो उसको अच्छे से सफाई करो, सफाई करने के बाद उसको लगाओ। उसके बाद यदि धुआं दे रही है तो फिर कार्बोरेटर को चेक करो। कार्बोरेटर के बहुत सारे मैंने वीडियो बनाया, उसके एक एक पार्ट्स के बारे में समझाया, तो वो वीडियो जरूर आप देखना। तो कार्बोरेटर का मेन काम रहता है एयर और पेट्रोल के मिक्सचर को तैयार करना। उसके अंदर एक VC स्क्रू रहता है यानी उसको वॉल्यूम कंट्रोल स्क्रू रहता है, एक रहता है RPM स्क्रू। यदि वॉल्यूम कंट्रोल स्क्रू की सेटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं है, मान लो कोई सी भी गाड़ी रहती है, हर एक बाइक का अलग अलग सेटिंग रहती है, पल्सर की, डिस्कवर की, करिश्मा की, हीरो होंडा स्प्लेंडर, पैशन प्रो, तो वो प्रॉपर तरीके से सेटिंग आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको पूरा बताऊंगा किस तरीके से सेटिंग करते हैं। सेकेंड रहता है आपका जो कार्बोरेटर के अंदर जो हवा आने वाले छेद रहते हैं, बहुत सारे छेद इसके अंदर लगे रहते हैं। देखो ये छेद रहते हैं, बहुत सारे जो छेद रहते हैं इसके अंदर, वो कहीं चोक तो नहीं होगा? यदि चोक होगा तो आप उसको हवा के प्रेशर दो, अच्छे से हवा का प्रेशर दो, ठीक है? वो चोक बिल्कुल खुल जाएंगे तो वो अच्छे से आपकी गाड़ी एवरेज देगी। इसके अंदर मेन जेट रहता है, पायलट जेट रहता है। यदि वो खराब हो गए हैं, चोक हो गया, तो उनको अच्छे से खोलो, साफ करो। यदि खराब हो गया तो उनको बदल दो, तो ठीक है। इसके बाद कहीं इसके अंदर फ्लोट जाम तो नहीं हो रही? जो जो कार्बोरेटर रहता है उसके नीचे एक फ्लोट रहती है, यदि फ्लोट जाम हो जाती तो क्या रहता है, पेट्रोल ओवर होने लग जाता है। ऐसे ही उसके एक नीडल रहती है, बिल्कुल प्लास्टिक की रहती है, टिप रहती है उसमें, यदि वो क्रैक हो गई है उसकी वजह से भी पेट्रोल आने लग जाता है, वो ओवर होने लग जाता है, जिसकी वजह से पेट्रोल फैलने लग जाता है। तो ये कार्बोरेटर को आपको अच्छे तरीके से सफाई करना है, देखना है, ठीक है? अब यदि ब्लैक धुआं दे रही तो आप पूरा कार्बोरेटर देखो, यदि ब्राउन धुआं दे रही, भूरा धुआं दे रही तो आपका क्या कारण रहता है? इसमें दो चीज़ रहती है, ब्राउन धुआं देने के दो कारण रहते हैं। सबसे मेन काम रहता है एक सिलेंडर हेड असेंबली, तो आपको ये दिख रहा हो, सिलेंडर हेड असेंबली रहती है। दूसरा रहता है सिलेंडर और पिस्टन असेंबली, ये सिलेंडर है, ये पिस्टन असेंबली रहता है। तो दो मेन काम रहते हैं ब्राउन धुआं देने के। अब जो सिलेंडर हेड असेंबली रहता है उसको आप ध्यान से देखना, ठीक है? उसके ऊपर आपको क्या क्या चीज़ देखना है तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सिलेंडर हेड की जो गास्केट, तो जो सिलेंडर हेड रहता है ना, यहाँ पर ये गास्केट लग रही थी, दिख रहा हो? ये गास्केट कहीं कट तो नहीं गई हो, तो आप बिल्कुल देखना है। यदि कट गई हो तो इसके अंदर से ऑयल आने लग जाता है। दूसरा रहता है सिलेंडर हेड की सतह खराब तो नहीं हो गई, जो सिलेंडर हेड रहता है उसकी जो सरफेस रहती है ना, कहीं खराब तो नहीं हो गई हो, क्रैक तो वो कुछ नहीं, दुष्ट तो नहीं गई हो, उसके अंदर क्या नाम से गड्ढे तो नहीं हो गए हो? तो ये आप इसकी सतह को देखना। यदि सतह देख रहे हो, भले ही आप गास्केट अच्छे लगा लो, तो उसके द्वारा वो ऑयल आने लग जाता है, ठीक है? तीसरा रहता है बाल्ब गाइड, तो इसके अंदर ये बाल्ब सील लगे रहते हैं, देख रहा हूँ, ये इनलेट बाल्ब और आउटलेट बाल्ब, ये बाल्ब सील तो कहीं खराब नहीं हो गई हो, इसके अंदर धूल के कण जो जम जाते हैं उसकी वजह से प्रॉपर तरीके से वो सेट नहीं हो पाती, उसकी वजह से ये ऑयल आने लग जाता है। तो बाल्ब सील को देखना है, बाल्ब गाइड को देखना है। तो यहाँ पर ये बाल्ब लगे रहते हैं, वो गाइड को देखना है आपको, वो कहीं खराब तो नहीं हुआ है, क्रैक तो नहीं हुआ। तो ये सिलेंडर हेड रहते हैं, और बाल्ब और बाल्ब की गाइडिंग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको सेट करना। तो ये मेन रीजन रहता है सिलेंडर हेड असेंबली, इसकी वजह से भी धुआं देती है भूरा। बहुत सारे हमने धुआं दे रही तो मैकेनिक क्या करते हैं कि इसकी ब्लॉक और पिस्टन रिंग चली गई है यार, इसकी वजह से ये धुआं दे रहा है, हो सकता है सिलेंडर हेड की वजह से ही धुआं दे रहा हो। अब दूसरा मेन काम रहता है सिलेंडर ब्लॉक, ये सिलेंडर ब्लॉक है, इसके द्वारा मैं आपको समझाता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से धुआं आते हैं। सबसे पहले सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर स्कोरिंग मार्क तो आ गए हूँ, ये सिलेंडर पिस्टन रहता है, ये सिलेंडर ब्लॉक रहते हैं, इसके अंदर आपने देखा हो कभी कभी डॉट 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 से मार्क आ जाते हैं। यदि स्कोरिंग मार्क आ गए हो तो ये सिलेंडर हेड और ब्लॉक को आपको बदलना पड़ेगा, नहीं तो ये कोई सा भी आप डालोगे, पिस्टन डालोगे, वो ख़राब हो जाएगा। तो सिलेंडर हेड स्कोरिंग क्या वजह रहती है? मेन रहता है धूल, जो हमारे गाड़ियाँ रहती है धूल भरे इलाके में चलती है, तो क्या रहता है, धीरे धीरे धूल कण, यदि आपका एयर फिल्टर प्रॉपर तरीके से चोक नहीं है, ठीक है, उसके बाद उसके अंदर जो एयर फिल्टर के अंदर जो केबिन रहता है उसके अंदर कहीं से लीक तो नहीं है, उसके अंदर की जो ट्यूब है वो कहीं कट तो नहीं गई है, क्योंकि धूल ही मेन काम रहता है स्कोरिंग मार्क का। यदि धूल उसके अंदर आ रही है, धूल कण उसके अंदर आ गया है, तो ये प्रॉब्लम आएगी और ब्राउन धुआं देगी, ठीक है? तो आपको क्या करना है, एयर फिल्टर को अच्छे तरीके से टाइट करना है।
देखना है कहीं से इसके अंदर लीक तो नहीं है, उसके अंदर की कनेक्टिंग ट्यूब रहती है उनको अच्छे से देखना है। ये डीप स्कोरिंग मार्क के ये मेन काम रहता है। अब आपको देखना है कि कहीं खराब इंजन ऑयल तो नहीं है, उसकी वजह से भी आ रही। पिस्टन और पिस्टन के ग्रुप की जो रिंग रहती है, दिख रहा होगा ये पिस्टन रिंग रहती है, उसकी जो रिंग रहती है कहीं वो एक्सेसिव प्लेप तो नहीं आ गए। देखो एक्सेसिव प्लेप तो नहीं आ गई, ज़्यादा प्ले आ गई उसकी वजह से क्या रहता है, ऑयल ऊपर आ जाने लग जाता है। इसके बाद जो सारी पिस्टन की रिंग रहती है वो एक लाइन में तो नहीं आ गई, यदि पिस्टन रिंग एक लाइन में आ गई है तो बिल्कुल धुआं देगी। और ध्यान देने वाले रहते थे पिस्टन की टॉप सेकेंड रिंग रहती है वो कहीं उल्टी तो नहीं लगा दी हो, यदि उल्टी लगा दी आपने पिस्टन रिंग तो वो प्रॉपर तरीके वो फिर धुआं देगी, क्योंकि ऑयल सेकेंड रिंग रहती है वो ऑयल को ऊपर आने नहीं देती है। यदि उल्टी लग गई वो रिंग तो वो ऑयल को ऊपर आने देगी और नीचे जाने नहीं देती है। इसलिए हमेशा भी पिस्टन रिंग फिट करो तो प्रॉपर तरीके से करना। मैंने इसका वीडियो बनाया किस तरीके से पिस्टन रिंग को फिट करते हैं, तो ये मेन रीज़न रहते हैं, ठीक है। और सिलेंडर ब्लॉक और पिस्टन की रिंग यदि ख़राब हो गई हो, यदि सिलेंडर ब्लॉक और पिस्टन की रिंग ख़राब हो गई तो फिर नॉर्मल तरीके से ये धुआं दे गई, तो ये मेन काम रहता है। आपने बिल्कुल ध्यान से समझना, अच्छे से समझना ये वीडियो को। तो दो मेन रीज़न रहते हैं, यदि ब्लैक धुआं दे रही तो कार्बोरेटर की वजह से रहती है, तो कार्बोरेटर की अच्छे से तरीके से सफाई करो, ट्यूनिंग करो। दूसरा रीज़न रहता है सिलेंडर हेड, इसको अच्छे से देखो, ठीक है। तीसरा रीज़न रहता है आपका सिलेंडर ब्लॉक और पिस्टन, इनको अच्छे से तरीके से देखोगे और प्रॉपर तरीके से जो मैंने सीक्वेंस बताया वो आप उस तरीके से फॉलो करोगे, उस तरीके से जाओगे तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो जरूर आपको समझ में आया। यदि मेरा वीडियो आपको समझ में आए, यदि आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं प्रकाश कुमार सैनी, थैंक यू।